हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर कुमार पात्रो, ऑल इंडिया रैंक 69 आई थी मेरे एम्स में, और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि नीट और एम्स में बेसिक प्रिफरेंस प्रिपरेशन डिफरेंस क्या होती है। बहुत लोग को आजकल प्रॉब्लम हो रहा है कि नीट का लेवल और एम्स का लेवल बहुत हार्ड होते जा रहा है। मम्मी पापा प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा तेरा नीट में हो गया, अब एम्स में तेरा क्या होगा। यार चिल मारो, इतना प्रॉब्लम नहीं है। एम्स में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ही होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाने पड़ी हो। जो बोलते हैं ना, टाइम टेबल स्ट्रैटेजी होता है। और नीट के लिए क्या होता है, एनसीईआरटी पे पूरा बेसिस होके फाउंडेशन क्लियर होने से हो जाता है। बोर्ड्स के लिए आप पढ़ रहे हो यार, तो हो जाएगा तुम्हारा नीट, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो रिएक्शन ऑर्डर ऐसा देगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक दो हार्ड क्वेश्चन देगा जो बाहर से है, वो तो तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जा ही रहे हो तो हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से, डीसी पांडे हो, मेडिकल हो, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बायोलॉजी तो नीट पूरा आता है, 320 मार्क्स तो ऐसे आ जाता है अपना एनसीईआरटी से। लेकिन आप क्या करेंगे कि एम्स का आपका जो स्ट्रैटेजी और एम्स का आपका रैंक वो अच्छा हो। हाँ यार, मैं मना नहीं करता हूँ, एम्स का लेवल हार्ड होता है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको कुछ भी ख़राब नहीं बोल रहा हूँ कि आप एनकरेज ना हो, मैं आपको बस सीधा सच बता रहा हूँ। और ये सच ये है कि आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, वो जो मेडिकल के अंदर ही अंदर रह जाने से होगा वो नहीं होने वाला, थोड़ा सा आपको लेवल बाहर करना पड़ेगा, जैसे कि आप थोड़ा सा फ्री होकर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, आप जैसे बाकी सब तो बहुत सारे मेरे दोस्त अभी जो वीडियो बनाए थे, पहले वाले वीडियो, बहुत सारे चीज़ बोलेंगे ये बुक्स पढ़ो, बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटी जो होती है ना नीट के लिए, वो सब बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको अगर एम्स दिल्ली में सिलेक्शन करना है, भुवनेश्वर में, भोपाल में, जोधपुर में, ऋषिकेश में, तो थोड़ा सा आपको जो सीट बहुत कम होती है ना, तो 800 होगा, तो यार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। तो फिर मैं वही बुक्स आपको सब बोलते जा रहा हूँ और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से बोलते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा हाई लेवल बुक दे दूँ जो आप कभी कर ही नहीं पाए, डिप्रेस होकर सदमे में पड़ जाए, आपके मम्मी से जाके सामने रोने लगे, आपके इंस्टीट्यूट पर जाके भीख मांगने लगे, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा हाई लेवल असेंडिंग ऑर्डर में बोलता जाऊँगा, धीरे से स्टार्ट करिए, एक से एक छोटा छोटा स्टेप लेते जाइए, आपका हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। तो चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो आप में अच्छा होगा तो आपका एम्स का जो पाने का चांसेस है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 से 80% ऐसा ही फिजिक्स के कारण ही हो जाएगा। बहुत लोग को हमको पूछिए, हम कितने सर बैचमेट्स को मेरे पूछिए, वो तो बोलेंगे यार हम एम्स में इसीलिए आए क्योंकि फिजिक्स अच्छा था। तो फिजिक्स का एक बुक आता है संगेज का, सीपी सिंह से बोलते हैं उसका नाम है, तो वो नीट फॉर एवरीवन उसका नाम है, वो बहुत अच्छा बुक है, आप उसको सॉल्व कीजिए। डी मुखर्जी का सॉल्व करना हो, पीसी अग्रवाल का बुक्स करना हो तो भी कर सकते हैं, मना नहीं। और अनिल अग्रवाल का है, फिर कुछ कुछ आपको प्रोफेसर वगैरह, अगर आप किसी प्राइवेट ट्यूशन जा रहे हैं तो वो बोलेंगे रेसनिक हेलेडे करो या सीयर्स जिमेंस की करो, इतना सब रिसर्च लेवल पर जाना है, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है रेसनिक एंड हेलीडे का, फिर भी आप थोड़ा सा उसको लिमिटेड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा घुस गए, अब रिसर्च वगैरह कर लिए, आईपीएचओ के लिए जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला। थोड़ा सा सीमित रहिए और थोड़ा सा जितना चाहिए, यार आप भी समझदार रहे, आपको जितना आता है मेडिकल में लास्ट ईयर के पेपर से एनालिसिस करके आप देख भी दीजिए। एम फॉर एम्स का भी बहुत अच्छा गियर बुक है जो मैंने पढ़ी थी, और वो उसमें बहुत कंसाइज वे में, बहुत छोटे वे में, सब पूरा अच्छे से एट्रीब्यूटेड वे में उसका रखा गया। तो आपको कंसाइज प्रिपरेशन करना है तो इतना सब बुक्स कीजिए, और रेफरेंस करना तो एक दो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए जैसे हम जानते हैं फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और फिर ऑर्गेनिक होता है। तो फिजिकल बेसिक तो सब फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नीट के अलावा एम्स में आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको कुछ कुछ बोलेंगे वॉयला का जैसे बुक होता है, एन अवस्थी का बुक होता है, फिर मैंने तो जीआरबी की न्यूमेरिकल केमिस्ट्री भी की थी, पी बहादुर भी की थी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी एडवाइस वही रहेगा कि आप थोड़ा सा सीमित रहिए। और अगर आपको इनऑर्गेनिक स्ट्रांग कराना है तो बहुत सारे बुक है यार, वी के जायसवाल है, बहुत सारा आप जा भी सकते हैं। लेकिन क्या देखा गया कि बोथ एम्स और नीट में हेविली बेस्ड होता है एनसीईआरटी के ऊपर। तो फिर जैसे हम देखते हैं इंजीनियरिंग का भी एक आता है जीआरबी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है। मैंने तो एलएन मॉड्यूल से भी पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी उसमें, तो आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा जो बायोलॉजी टाइप का मेमोरी होता है ना आपका, वैसे इनऑर्गेनिक पे भी अप्लाई कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, चलो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल है. फिजिकल तो यार फॉर्मूला रट लो, और फिर इनऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा बस एनसीईआरटी ये सब बार बार पढ़ लो, आपका हो ही जाएगा. ऑर्गेनिक पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. MS चौहान एक बुक आती है श्री बालाजी पब्लिकेशंस की, वो भी अच्छी है. श्री जगदम्बा का लॉजिकल अप्रोच टू केमिस्ट्री आता है, वो भी अच्छी है. और ये दोनों बेसिक बुक्स हैं मेरे अकॉर्डिंगली. और आप जानना ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हिमांशु पांडे की आती है, GRB का बहुत मोटी किताब है. वो सब आपको लाइब्रेरी का बुक सेल्फ का स्पेस बढ़ाना है तो आप जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अगर आपको सीमित रहना, आप पहले दो जो बोला था उस पर ही टिके रहिए. बायोलॉजी पे आते हैं. मैं पर्सनली फील किया क्या, बस बायो एनसीईआरटी मैंने जैसे 23 से 25 बार पढ़ा था, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा. मैं एक एक लाइन जो अच्छा लगता था मैं और एक बुक पे लिखता था, एक डायरी बनाता था, जब डायग्राम का पढ़ता था उसका लेवल को तक नहीं छोड़ता था. तो उससे क्या होता ना, हम सोचते हैं एनसीईआरटी बहुत इजी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे बुक है ना, मैं आपको चैलेंज भी दे लेता हूँ. चलो तो आप एक बार पढ़िए और 10 दिन 7 दिन के बाद वापस पढ़िए, आपको शौक हो जाएगा कि उसमें कितना सारा डिटेल्स और भी है. तो आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहिए, और MTG के फिंगर टिप्स आती है. और अभी तो AIIMS की भी एक गियर बुक है जो कि बहुत सिमिलर लाइंस पे बनी गई है, और दोनों बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप पढ़िए. और आपको अगर बहुत ज़्यादा लेवल तक जाना ही है IBO के लिए प्रिपेयर करना, जो कि आपको ट्रूमेंस चाहिए होगा, कितने से बुक्स चाहिए हो, लेकिन मैं कभी भी वो सजेस्ट नहीं करूँगा. बेटर ये होगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फोकस रहिए, और नीट छोड़कर अगर आपको एम्स में सिलेक्शन करवानी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस रहिए, आपका बायोलॉजी हो ही जाएगा नीट के हिसाब से. और अभी GK और मेंटल एबिलिटी पे आते हैं. होता क्या है कि अब GK और मेंटल एबिलिटी असर्शन रीजन भी एक बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन GK और मेंटल एबिलिटी लोग ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं यार, 20 मार्क है कैसे करेंगे, ये हैंडल करेंगे, सब न्यूज़पेपर पढ़ें क्या. देखो आपको थोड़ा थोड़ा अप टू डेट तो होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 2 साल सो जाए फिर आपको उठ के आकर बोलते हैं अरे यार ये मैं कभी देखा ही नहीं था, ऐसा नहीं होगा. एक दो न्यूज़ वगैरह हेडलाइंस, अगर पूरा ही नहीं पढ़ सकते तो हेडलाइंस ही पढ़ लो, कम से कम एक दो पढ़ लो. और फिर ऑनलाइन भी जैसे IndiaBooks.com होता है, कितना कितना सब पढ़ते रहिए. और ईयरबुक एक खरीद लीजिए, मनोरमा का एक ईयरबुक होता है, सोते टाइम ही अब 15 मिनट पर दिन दे दीजिए. 11 से कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए, 12th का लास्ट 6 महीना पढ़ लीजिए, हो जाएगा. मैंने तो उतना ही पढ़ा था. तो अगर मेंटल एबिलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप अगर ओलंपियड वगैरह के लिए पढ़ते रहे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंटल एबिलिटी. और मेंटल एबिलिटी अगर आप कभी पढ़े नहीं, आपको थोड़ा सा रीजनिंग और नॉन लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एहसान की एक बहुत मोटी बुक आती है लॉजिकल अप्रोच टू समथिंग रीजनिंग, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होगा. बात तो मैं यही कर रहा हूँ कि लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपको लेवल मालूम पढ़ ही जाएगा एम्स का कितना, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है. एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस होइए, ए और बी ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ए बी ऑप्शन को देख के थोड़ा सा एक बार कीजिएगा, आपका हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो इसी नोट पे मैं एंड करता हूँ. होप क्या ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ क्या आप मेरे बाकी सारे वीडियो और मेरे बैचमेट, हम सब बैचमेट मिलकर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं AIIMS के लिए. और आपको अगर बाकी मोटिवेशन चाहिए होगा तो आप अपने सब्सक्राइब वाले बटन मार के बेल आइकन मारने से आपको सब अपडेट मिलती रहेंगे.